मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्य प्रदेश मंत्रालयीन कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा लिपिक कर्मचारी महापंचायत का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के शासकीय लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करते हुए ऐलान किया कि वे एक दिन का वेतन किसान को मदद करने सूखा राहत में देंगे। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्मचारी सूखा राहत में सरकार के साथ है, ये अच्छी बात है, मगर सूखा राहत में किसानों की मदद के लिए 2-3 हजार करोड़ नहीं बल्कि 10 हजार करोड़ की जरूरत है, इसीलिए सरकार को व्यवस्था करना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें यह मानने में कोई संकोच नहीं कि सरकार के पास पैसा नहीं है और इस कारण ही बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। केंद्र के समान महंगाई भत्ते की तो ये बहुत सुझाव आए कि किसान संकट में, और ये बात सच है, इस बार का संकट ज्यादा बड़ा है, ज्यादा गहरा है। सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई, चौपट हो गई, आप तो जानते हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। उसके पहले भी लगातार 2-3 साल से प्राकृतिक आपदा आती रही, अब ओले में फसल बर्बाद हुई, फिर सूखे में बर्बाद हो गई, और किसान के पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं। एक बार अगर फसल खराब हुई तो 3 साल के लिए उसका पूरा का पूरा आर्थिक चक्र बिगड़ जाता है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि खाद बीज का कर्जा देना है और किसी का लेना देना है। तो अपन भी किसान परिवार से ही अधिकतर अपन उस तकलीफ को जानते हैं, बेटा बेटी की शादी करनी है, कोई और परिवार में रिश्तेदारी में शादी, तो वहां भी उसको सामाजिक दायित्व निभाना है, अलग अलग तरह की कई तरह की समस्याएं होती है, और एक स्टेटस भी मेंटेन करना है, और इसलिए उसकी अपनी समस्याएं हैं। और इसलिए इस बार का जो सूखा है वो ज्यादा व्यापक है, ज्यादा गहरा है, लेकिन मैं आपके सामने कर्मचारियों के सम्मेलन में किसानों की बात शिवराज सिंह चौहान कर रहा है कि किसान भाइयों घबराना मत, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, इस संकट के पार निकाल के ले जाओ। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।